Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the biomolecule. So in this particular video, we detail discuss about biomolecule. So I hope you will enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and a WhatsApp channel on my channel. So please go through WhatsApp channel on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep supporting. So why it's called biomolecule? Each and everything we discuss in this particular video. So in this chapter, we covered some topics. So I want to give overview before starting the session. So first we cover how to analyze chemical composition. कि chemical composition की analysis कैसे करते हैं, primary and secondary metabolites क्या होते हैं, biomacromolecule क्या होते हैं, biomicromolecule क्या होते हैं, और protein क्या होती है ना, protein के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम देखेंगे polysaccharide क्या होते हैं, nucleic acid क्या होते हैं, structure of protein क्या होता है, primary structure of protein क्या होता है, secondary structure of protein क्या होता है, tertiary structure of protein क्या होता है. फिर उसके बाद हम देखेंगे nature of bond लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर, है ना, बॉन्ड जो लिंक होते हैं, मोनोमर बॉन्ड लिंक होते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, वो उनकी लिंकिंग प्रोसेस देखेंगे कैसे लिंक होते हैं वो, है ना. उसके बाद देखेंगे डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को देखेंगे. और उसके बाद देखेंगे मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, लिविंग के लिए मेटाबॉलिक क्यों जरूरी है. उसके बाद देखेंगे द लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट क्या होती है. और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एंजाइम के बारे में, देखेंगे एंजाइम के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी. सो फर्स्ट वी रीड व्हाट रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आफ्टर दैट एलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग बिट सिंपल एंड इजी वर्ड. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो एनसीईआरटी के टेस्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये बताया देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर, कि हमारे बायोस्फीयर में यानी हमारे जीव मंडल में बहुत सारी डाइवर्सिटी, वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, है ना. इनकी जो डाइवर्सिटी है बहुत अधिक डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे बायोस्फीयर का मतलब होता है जीव मंडल, क्या होता है इसका मतलब, जीव मंडल यानी जीव मंडल में हमारे वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या दिया है, तो ये हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, नाउ ए क्वेश्चन डेट अराइज इन अवर माइंड, हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं क्या सेम केमिकल से मिलकर बने हुए हैं, ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल, क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम केमिकल के मिलकर बने हुए हैं. अब केमिकल में दो चीज़ें आ गई, है ना, केमिकल में दो चीज़ें आ गई, या तो वो एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं या ये कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं. एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं. एलिमेंट से क्या बनता है, एलिमेंट मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे वो, कंपाउंड बना देंगे, है ना. एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं. तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सेम केमिकल से मिलके बने हुए हैं, यानी सेम एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं या सेम कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं. तो उसके बाद क्या है, यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एलिमेंट की एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना. केमिस्ट्री में हमने देखा है कि मेटलर्जी में हम लोग देखते हैं एलिमेंट की एनालिसिस कैसे होती है, सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें. If we perform such an analysis on a plant tissue, अगर यही हम analysis plant tissue में perform करें, plant tissue हो गया, और क्या हुआ animal tissue और microbial pest, अगर यही जैसे हम element के analysis chemistry में perform करते हैं, अगर यही हम analysis plant tissue पे perform करें, animal tissue पे perform करें और microbial pest पे perform करें, microbial pest का मतलब हुआ ऐसा pest जो microbe से बनाया गया हो, है ना, ऐसा pest जो माइक्रोब से बना उसको माइक्रोबियल पोस्ट पेस्ट बोलते हैं, ठीक है. वी ऑप्टेन ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट, तो हम क्या पाते हैं, हमको एक लिस्ट मिलती है, एलिमेंट की लिस्ट मिलती है, और उस एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उस लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएंगे, एंड सेवरल अदर एलिमेंट्स आते हैं, है ना, और भी सेवरल अदर्स बोला तो और भी एलिमेंट्स आते हैं, एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना. जब एलिमेंट की लिस्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर एलिमेंट आएंगे अपने रिस्पेक्टिव मास ऑफ लिविंग टिश्यू, जितना उसका रिस्पेक्टिव मास होगा उसके बेसिस पे वो आएंगे, है ना. इफ द सेम एनालिसिस, अगर यही एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अगर यही हम एनालिसिस
अर्थक्रस्ट पे परफॉर्म करें। अर्थक्रस्ट क्या है हमारा? अर्थक्रस्ट हमारा एक नॉन लिविंग मैटर है, यानी अर्थक्रस्ट क्या हमारा? नॉन लिविंग मैटर है, यानी उसमें कोई जान नहीं है, यानी वो लिविंग नहीं है, ठीक है, वो नॉन लिविंग मैटर है। नॉन लिविंग मैटर का एग्जाम्पल है अर्थक्रस्ट, ठीक है। वी ऑप्टेन सिमिलर लिस्ट, तो भी हम यही सिमिलर लिस्ट हमको मिलती है ना, तो भी हमको सिमिलर लिस्ट मिलती है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, तो इस दो लिस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंट हुआ, क्या क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म, सो इन एब्सोल्यूट टर्म में अगर देखेंगे तो नो सच डिफरेंस कुड बी मेड अप, अगर हम उसके एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो हमको उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है ना, कोई डिफरेंस नहीं हम पाते हैं, है ना, कोई डिफरेंस हम उसमें नहीं पता कर पाते हैं। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो हमको कोई भी डिफरेंस लिस्ट में नहीं मिलेगा, और जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे, जो कि नॉन लिविंग है, वही के वही सारे सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू में भी पाए जाएंगे। हाउएवर ए क्लोज एग्जामिन रिवील डेट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इन हायर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट इन अर्थ क्रस्ट, जब हम इसकी क्लोजल मतलब बहुत गहराई से स्टडी करते हैं, उसकी दोनों के बीच रिलेटिव अबंडेंस का मतलब हुआ दोनों के पारस्परिक संबंध, है ना, दोनों के बीच क्या रिलेटिव अबंडेंस का मतलब हुआ पारस्परिक संबंध, यानी दोनों में जब हम कंपेरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम ये पाएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो कार्बन हाइड्रोजन जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाया जाएगा अर्थक्रस्ट की अपेक्षा में, है ना, जो कि नॉन लिविंग है। अर्थक्रस्ट क्या है? अर्थक्रस्ट क्या है हमारी? नॉन लिविंग मैटर है। अर्थक्रस्ट क्या है? नॉन लिविंग मैटर है। अर्थक्रस्ट नॉन लिविंग मैटर है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कम मात्रा में पाया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा में, ठीक है, जब हम उसकी रिलेटिव पारस्परिक उसमें कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो। जो भी ऑर्गेनिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें कौन कौन से केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें हम कैसे एनालाइज करें, तो उसके लिए हमको इसमें कुछ बताया गया है, वो देखते हैं क्या बताया गया है। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम, भी हम इसी तरह से बार बार पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जा रहा है ना, किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जा रहा है। हाउ डज वन गो थ्रू फाइंडिंग द आंसर, और हमें आंसर ये कैसे मिलेगा, तो आंसर पाने के लिए क्या है, टू गेट एन आंसर, आंसर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वन हैड टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। एनालिसिस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, लिविंग टिश्यू में क्या आ सकता है, वो वेजिटेबल का हो सकता है और पीस ऑफ लिवर का हो सकता है, यानी लिवर का टुकड़ा हो सकता है, और उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, यानी मोटर पे ग्राइंडर पे डाल के उसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करेंगे किसके साथ में, इन ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, किसके साथ में ग्राइंड करेंगे, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है ClC3CCOOH, इसका ये फार्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछता है कि केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए किसके साथ ग्राइंड करते हैं, केमिकल का नाम बताया, तो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड के साथ में हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है, यूजिंग ए मोटर और पेस्टल मोटर की सहायता से उसको ग्राइंड कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, वी ऑप्टेन एक थिक सिलगरी, सिलगरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक गाढ़ा हुआ मतलब पेस्ट मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, हिंदी पेस्ट बोलेंगे इसको, पेस्ट मिल जाएगा, पेस्ट तरीके का मिल जाएगा, तो हमको क्या होगा, इफ वी वर स्टेन दिस थ्रू द चीट क्लॉथ और कॉटन वी वुड ऑप्टेन टू फ्रैक्शन, और जब भी हमको थिक पेस्ट मिल जाएगा और फिर हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, यानी इसको छानेंगे ना, स्ट्रेन करेंगे, यानी जैसे हम चाय को छानते हैं ना चाय की छन्नी से, तो हमको दो पार्ट मिलते हैं, एक जो फिल्ट्रेट होता है, जो चाय होती है वो नीचे आ जाती है बर्तन पे आ जाती है, और जो एक अदरक होगा और चाय की पत्ती होगी वो हमको चाय की चायदानी पे छन्नी पे मिल जाती है, ठीक है, तो वो होता है रिटेंट, ठीक है, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, जब हम उसको थिक सिलगरी को छानेंगे थ्रू द चीट क्लॉथ, यानी पनीर छानने वाले कपड़े से या कॉटन से, तो हमको दो फ्रैक्शन मिलेंगे, है ना, दो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, एक को क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट,
मतलब छना हुआ भाग जो छन गया, ठीक है। और इसको मोर टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, एसिड सॉल्यूबल। एसिड सॉल्यूबल क्यों बोला, क्योंकि भाई जो ट्राइक्लोरोएस्टेरिक एसिड के साथ हमने इसको पेस्ट बनाया था तो उसके साथ वो घुल गया और ये एसिड के साथ घुल गया, यानी सॉल्यूबल था एसिड में, तभी वो फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है, तभी वो फिल्ट्रेट हो गया और एसिड सॉल्यूबल पूल बोला गया इसको। और सेकंड जो था, जो नहीं छना है ना, जो नहीं छना उसको क्या बोला, रिटेंट बोला, क्या बोला, क्या बोला, रिटेंटेड बोला। और इसको एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन बोला, क्योंकि ये एसिड यानी ट्राइक्लोरोएस्टेरिक एसिड के साथ में नहीं सॉल्यूबल हुआ और वो छना नहीं यानी फिल्ट्रेट नहीं हुआ और वो ऊपर मिल गया हमको चीथ क्लॉथ या कॉटन पे, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्यूबल पूल, है ना। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके मिले, एसिड सॉल्यूबल पूल में, यानी फिल्ट्रेट में, किसमें मिले, फिल्ट्रेट जो बना मतलब जो छना हुआ भाग मिला उसमें थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंटिस्टों ने खोजे, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंटिस्टों ने देखे। इन हायर क्लासेस, है ना, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालिसिस ए लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप हायर क्लासेस में ये देखेंगे कि कैसे लिविंग टिश्यू की एनालिसिस करते हैं, किसी भी लिविंग टिश्यू का सैंपल लेके उसकी कैसे एनालिसिस करते हैं और उसमें कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे फाइंड करते हैं, यानी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यही हमको बताया गया यहाँ पे। आप हायर क्लास में देखेंगे कि कैसे भी लिविंग सैंपल, लिविंग टिश्यू का कैसे उसकी एनालिसिस करते हैं और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इट विल सफिश टू से हियर डेट वन एक्सटेंड द कंपाउंड देन सब्जेक्ट टू एक्सटेंड टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक टिल वन हैज सेपरेटेड एंड कंपाउंड फ्रॉम अदर इसका मतलब क्या बोला, यहाँ पे एनसीईआरटी है, बहुत घुमाती है यार, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप हायर क्लासेस में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू की सैंपल में आप देखेंगे कि उसमें कैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, बट यहाँ पे ये बताना इतना पर्याप्त है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, कैसे उसको निकाला, है ना, और उसी तरह वेरियस उसी डिफरेंट वेरियस सेपरेशन टेक्निक के थ्रू आप और भी सारे कंपाउंड को टेक्निक को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये, बाकी एनसीईआरटी बहुत घुमाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वन आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड ए कंपाउंड, आप दूसरे शब्दों में क्या कि आप और किसी भी कंपाउंड को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कैसे अलग कर सकते हैं और कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं। एनालिटिकली टेक्निक, है ना, एक एनालिटिकल टेक्निक होती है। व्हेन अप्लाइड द कंपाउंड गिव्स अस आइडिया टू मॉलिकुलर फार्मूला, जो एनालिटिकल टेक्निक होगी तो क्या करेगी हमको, जब किसी भी कंपाउंड पे अप्लाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उस कंपाउंड के बारे में क्या हमको आइडिया मिलेगा, उसका मॉलिकुलर फार्मूला पता चलेगा और क्या पता चलेगा, एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, और उस स्ट्रक्चर यानी उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है वो हमको पता चलेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा और इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमको पता चलेगा, इसका कंपाउंड का, ठीक है। आगे क्या है, ऑल द कार्बन कंपाउंड डेट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल, है ना। अब बायो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा कार्बन कंपाउंड, है ना, ऐसा कार्बन कंपाउंड, ऑल द कार्बन कंपाउंड डेट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल, है ना, ऐसा कार्बन का कंपाउंड जो हम लिविंग टिश्यू से प्राप्त करते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम बायोमॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल कार्बन कंपाउंड डेट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गेट एन ऑर्गेनिक एलिमेंट, जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं, उनसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं और कंपाउंड भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक एलिमेंट तो पाए जाएंगे, उसमें इनऑर्गेनिक भी एलिमेंट पाए जाते हैं और कंपाउंड भी पाए जा सकते हैं। हाउ डू वी नो दिस, तो हम ये कैसे जाने, है ना, ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन, इसमें क्या है डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे इसका हम करेंगे आस एनालिसिस, है ना, यहाँ पे होगा आस एनालिसिस, है ना। आस एनालिसिस क्या होती है मैं आगे आपको बताऊँगा, इसको जानने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट है, केमिकल एनालिसिस से थोड़ा डिफरेंट है,
है ना, केपकलिन एसिड में ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड के साथ मिला के पेस्ट मॉर्टर बना रहे थे, पर इसमें क्या है ना थोड़ा डिफरेंट है। इसमें डिस्ट्रक्टिव का मतलब है आस एनालिसिस यहाँ पे होगी, उसको ड्राई वेट और फ्रेश वेट से ऐसे बताएंगे आपको, ठीक है। उसको ड्राई करेंगे, फिर उसमें जो कार्बन कंटेनिंग होगा वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, वही है। आगे देखते हैं, ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है टू बी डन, वन बेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, है ना, हम एक छोटा सा वेट ले सकते हैं, कुछ वेट ले सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू का, है ना। लिविंग टिश्यू में वही आया, या तो लीव ले सकते हैं या लीवर ले सकते हैं, है ना, लीवर का टुकड़ा ले सकते हैं या लीफ ले सकते हैं, यानी पत्ती ले सकते हैं या कोई भी एनिमल टिश्यू का पार्ट ले सकते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेट वेट दिया हुआ है, वेट मतलब हुआ भीगा हुआ, इसमें पानी भी काउंट है। इसमें क्या है, वेट का मतलब होता है वाटर भी होगा, इसमें क्या होगा, वाटर भी होगा इसमें, है ना, वाटर भी इसमें पाया जाएगा, ठीक है। एंड ड्राई इट, और इसको क्या करते हैं, फिर हम सुखा लेंगे, कोई फ्रेश वेट लेंगे उसको फिर हम ड्राई कर लेंगे। जैसे हम कोई पेड़ की पत्ती लाएं उसको धूप पे डाल दें तो वो सूख जाती है, तो उसमें जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो हमको सूखा हुआ भाग मिल जाता है ना। ऑल द वाटर इवेपोरेटेड, तो उसके बाद क्या होगा, सारा का सारा जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट, जो बचा हुआ भाग होगा वो क्या होगा, जब पत्ती सूख जाएगी तो हमको सिर्फ क्या मिलेगी, रिमेनिंग जो होगी वो कैसी होगी, ड्राई वेट, वो हमको सिर्फ ड्राई वेट के बारे में ही बताएगी, ठीक है। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली वन, अब हम क्या करेंगे, उस टिश्यू को, उस पत्ती को, उस टिश्यू को क्या करेंगे, पूरा जला देंगे, पूरा जला देंगे। ऑल कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म, तो सारे के सारे जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जब उसको हम जला देंगे, सारे कार्बन कंपाउंड होंगे वो गैसियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और क्या बना देंगे, CO2 एंड वाटर वेपर बना देंगे। क्या निकलेगा उससे, जब सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे तो CO2 और वाटर वेपर उससे निकलेगा, उसके बाद क्या गए, वो वाटर वेपर ये रिमूव हो जाएगा, तो उसको बचेगा क्या, बिल्कुल सूखा हुआ बचेगा, जब जल जाएगा तो राख बचेगी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बचा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड आस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आस बोलते हैं, इसी को आस एनालिसिस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं राख, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको राख बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आस, ठीक है। दिस आस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इस आस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट में क्या हमको यहाँ पे बताया गया है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट में कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और बहुत सारे भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, है ना, एलिमेंट से मिलके क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, लाइक सल्फेट, है ना, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, और होते हैं, और भी कंपाउंड होते हैं, आर ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, है ना, वो भी मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो सल्फेट थे, फॉस्फेट थे, ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी देखे गए थे, वो यहाँ पे भी पाए जाएंगे, क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। आगे क्या है, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव, जो एलिमेंटल एनालिसिस होती है वो क्या हमको बताती है, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन कार्बन इट्स, है ना, तो हमको एलिमेंटल एनालिसिस क्या बताती है, हमको एलिमेंट के कंपोजिशन, यानी जो लिविंग टिश्यू का एलिमेंट, लिविंग टिश्यू है उसमें एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है उसके बारे में बताती है। इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में क्या क्या उसमें पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, क्लोरीन पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा, और भी चीज़ें पाई जाएंगी, है ना, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड, जब हम कंपाउंड के एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, गिव एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक, है ना, एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट, जब हम उसके कंपाउंड के एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलता है हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट की, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से भाग ले रहे हैं, ना, उसमें कौन कौन से पाए जा रहे हैं, हमको टेबल 9.1 और 9.2 टेबल दी गई, टेबल में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया हमका, फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस से हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ बेसिस के व्यू से क्या करेंगे, वन का आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, है ना, जो केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, जब हम किसी कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू,
One can identify functional group like aldehyde, ketone, aromatic compound, है ना, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम उसमें फंक्शनल ग्रुप को एनालाइज करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक कंपाउंड को, है ना। बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वी सेल क्लासीफाई देम इनटू, जब हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम क्या किस टाइप से देखेंगे उसको, कैसे क्लासीफाइड करेंगे, तो हम उसको क्लासीफाइड करेंगे अमीनो एसिड में, है ना। अमीनो एसिड से हमारी क्या बनेगा, अमीनो एसिड से हमारी प्रोटीन बनेगी, है ना, अमीनो एसिड में, है ना, न्यूक्लियोसाइड में, है ना, न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है जब हमारे नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड बेस बना देते हैं। और क्या देखते हैं इसमें, फैटी एसिड के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया हमको, अब इसमें हमको यह बताया गया है अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड जो होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिड ग्रुप, है ना। अमीनो एसिड इसके नाम में ही पता चल रहा है, इसमें क्या है अमीनो एसिड, मतलब एक अमीनो ग्रुप आएगा एक एसिड ग्रुप आएगा, है ना। अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है एक अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिड ग्रुप होता है। एज सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन, और ये सेम कार्बन पे ही लगे हुए होते हैं, सेम कार्बन पे भी लगे हुए होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन जो होता है ये सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स होते हैं, क्या होते हैं अल्फा कार्बन जो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स होते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स होते हैं, बट अल्फा कार्बन जो होगा कायरल कार्बन होगा, यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है। सॉरी, जो अल्फा कार्बन होता है वो कायरल कार्बन होता है, उसमें डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे, बट जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं उसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मेथेन होते हैं, ठीक है। तो हमको बताया है अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड एन एसिड ग्रुप, है ना, जो कि सेम कार्बन पे लगे होते हैं, जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। हेंस दे आर अल्फा अमीनो एसिड, इसलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, ये जो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मेथेन होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड क्या होते हैं मेथेन होते हैं, ठीक है। There are four substituted group occupy the four valency position, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है चार होती है, सबको पता है ना कार्बन क्या होता है फोर वैलेंसी वाला होता है, चार वैलेंसी वाला होता है, इसमें चार ग्रुप आके लग सकते हैं। फोर वैलेंसी पोजिशन पे ये सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप जो होते हैं ऑक्यूपाई करते हैं। दीज आर कौन कौन से हो सकते हैं इसमें ग्रुप, हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और क्या हो सकता है एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको आर से डिनोट करते हैं। कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं इसमें, हाइड्रोजन ग्रुप आ सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप आ सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप आ सकता है, अमीनो ग्रुप आ सकता है, और एक वेरिएबल ग्रुप जिसको किससे, जिसको वेरिएबल ग्रुप को जिसको डिजिग्नेटेड एज आर ग्रुप, है ना, जिसको आर ग्रुप से, आर ग्रुप जो होता है ये कैसा होता है वेरिएबल होता है, ये कैसा होता है वेरिएबल ग्रुप होता है, ये आ सकता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप के बेसिस पे, आर ग्रुप के नेचर पे देयर आर मेनी अमीनो एसिड, आर ग्रुप के नेचर पे बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, है ना। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 अमीनो एसिड, है ना, जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। द आर ग्रुप इज दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, है ना, इस आर ग्रुप में क्या हो सकता है, इसमें प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड में हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है, आर ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस अमीनो एसिड के अगर आर ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन, मान लो ये हुआ एक NH2 ग्रुप ये हुआ, ठीक है, ये आर ग्रुप हुआ और ये क्या हुआ हाइड्रोजन हुआ, ये क्या हुआ ये हुआ COOH, ये COOH हुआ, अगर इस R की जगह क्या आ गया हाइड्रोजन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग ग्लाइसिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे ग्लाइसिन बोलेंगे, क्योंकि ये R ग्रुप होता है यही वेरिएबल हो सकता है, यही हट सकता है और इसकी जगह कोई दूसरा आ सकता है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे ग्लाइसिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे ग्लाइसिन बोलेंगे, याद रखेंगे। अगर मेथिल ग्रुप आ जाएगा तो उसको बोलेंगे एनालिन बोलेंगे, अगर मेथिल ग्रुप आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे
एनालिन बोलेंगे, अगर हाइड्रोक्सिल मिथिल आ गया, अगर हाइड्रोक्सिल मिथिल आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेरीन, क्या बोलेंगे सेरीन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे सेरीन बोलेंगे, है ना। ये NH2 ग्रुप हुआ एक, है ना, एक ये हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे एक एसिड ग्रुप लग गया, और ये जो R है यही वेरिएबल है, यही हट सकता है इसी की जगह। अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसको ग्लाइसिन बोलेंगे, अगर मेथिल ग्रुप आ जाएगा तो उसको एनालिन बोलेंगे, अगर हाइड्रोक्सिल, अगर हाइड्रोक्सिल मेथिल आ गया, हाइड्रोक्सी मेथिल आ गया तो उसको सेरीन बोलेंगे, है ना। 3 of 20 अमीनो एसिड, यानी 20 में से 3 हमको यहाँ पे दिखाए गए हैं 9.1 फिगर में। मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ पहले, अभी हमको टेबल दिखाई गई 9.1, इसमें कंपैरिजन कराया गया एलिमेंट का जो कि नॉन लिविंग और लिविंग में पाए जाते हैं, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी टेबल का कंपैरिजन कराया गया हमको। एलिमेंट के बारे में बताया गया हमको, क्या किसके बारे में बताया गया है, एलिमेंट के बारे में बताया गया है। एलिमेंट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हमको, हाइड्रोजन दिया गया है ना, हाइड्रोजन को H2 डोनेट करते हैं, तो इसको अर्थ में परसेंटेज इसका पाया जाता है, कितना पाया जाता है 0.14% पाया जाता है अर्थ ग्रह में, बट ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है 0.5%, ठीक है। जो कार्बन होता है किसी से डिनोट करते हैं, ये जो अर्थ ग्रह में पाया जाता है 0.03% पाया जाता है, और ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है 18.5% पाया जाता है ना। और ये जो ऑक्सीजन होती है हमारी वो से डिनोट करते हैं, ये जो अर्थ ग्रह में पाई जाती है ये 46.6% पाई जाती है, बट ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो ज़्यादा है अर्थ ग्रह से, यानी 65.0%, यानी 65% ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन पाई जाती है। और ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होता है वेरी लिटिल अमाउंट में, यानी बहुत कम मात्रा में अर्थ ग्रह में पाया जाएगा, बट ये ह्यूमन की बॉडी में पाया जाएगा कितना 3.3%। उसके बाद हमको बताया गया सल्फर, सल्फर जो है ये भी 0.03% अर्थ ग्रह में पाया जाता है, और ये ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है 0.3% पाया जाता है। उसके बाद सोडियम, सोडियम यानी से डिनोट करते हैं हम इसका, ठीक है, इस ये कितना पाया जाता है अर्थ ग्रह में, ये 2.8% पाया जाता है, बट ह्यूमन बॉडी में कितना पाया जाता है 0.2% पाया जाता है। उसके बाद क्या दिखाया गया हमको, सोडियम के बाद क्या दिखाया गया हमको, सोडियम के बाद हमको दिखाया गया है कैल्शियम, कैल्शियम Ca से डोनेट करते हैं, जो कि अर्थ ग्रह में पाया जाता है 3.6%, बट ह्यूमन की बॉडी में पाया जाएगा 1.5%, याद रखेंगे। मैग्नीशियम जो होता है ये ह्यूमन अर्थ ग्रह में 2.1% पाया जाता है, बट ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है 0.1%। और जो सिलिकॉन होता है ना, क्या होता है सिलिकॉन होता है, ये 27.7% पाया जाता है अर्थ ग्रह में, बट ह्यूमन की बॉडी में निग्लिजिबल पाया जाता है, यानी नगण्य मात्रा में पाया जाता है, यानी ना के बराबर पाया जाता है। अब ये जो टेबल थी कब बनी है ना, किसने दिया, एडाप्टेड फ्रॉम CNR राव, है ना, CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद के द्वारा रिलीज की गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हमसे इसका ऑर्डर पूछते हैं, है ना, कि अर्थ ग्रह में अबंडेंस का ऑर्डर क्या है और ह्यूमन की बॉडी में अबंडेंस का ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ट्रिक की सहायता से हम लोग याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रिक क्या है, उसके लिए ट्रिक क्या है कि इसकी परसेंटेज का अर्थ ग्रह में कितना पाया जाएगा, ह्यूमन की बॉडी में पाया जाएगा, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, उसने कहा, उसने कहा ना मांगूंगी सिलिका, है ना। यल से मतलब हुआ या ये किसके लिए ट्रिक बनाई हमने, लिविंग के लिए बनाई है, किसके लिए, लिविंग के लिए बनाई है। ऊ से मतलब हुआ ऑक्सीजन यानी O2, और सी से मतलब हुआ कार्बन, है ना। उसने, यन से मतलब हुआ नाइट्रोजन यानी N2, और उसके बाद क्या हुआ, कहा मतलब सी यानी कैल्शियम, उसके बाद क्या हुआ हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या हुआ हाइड्रोजन के बाद क्या हुआ ना मतलब सोडियम, है ना। उसने कहा ना मांगूंगी यानी MG यानी मैग्नीशियम, और क्या है सिलिका, ये तलब मतलब SI, सीसेस SI, और ये यल का मतलब हुआ किसके लिए ट्रिक है, ये लिविंग के लिए ट्रिक है। तो यानी उसने कहा ना मांगूंगी सिलिका, ये क्या हुआ इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, लिविंग की लिविंग मेटल में ये जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसने कहा ना मांगूंगी सिलिका, ठीक है, मतलब ऊ से मतलब ऑक्सीजन, और इस साथ से क्या हुआ कार्बन, और यन से क्या हुआ N2 नाइट्रोजन, और कहा मतलब के से मतलब CA से हुआ कैल्शियम, है ना। ना मांगूंगी मतलब नाइट्रोजन, और हाथ से क्या हुआ हाइड्रोजन, मांगूंगी मतलब मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या है लिविंग के लिए है सिलिका, ठीक है, ये आपको याद हुई होगी,
है ना। अब उसकी सेकेंड ट्रिक क्या है, सेकेंड ट्रिक क्या है, वो जो है नॉन लिविंग के लिए है, नॉन लिविंग के लिए ट्रिक है जो, अब ये जो ट्रिक अपनी नॉन लिविंग के लिए है, यानी अर्थ क्रस्ट में नॉन लिविंग मैटर में जो पाए जाएंगे इसके लिए क्या है, उसी का नाम है सीएस, उसी का नाम है सीएस। तो उसी का मतलब ऊ से क्या हुआ O2, ठीक है, और सी से क्या हुआ सिलिका, ठीक है, उसके बाद का मतलब हुआ कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना मतलब सोडियम, उसके बाद क्या हुआ मैग्नीशियम, उसके बाद क्या हुआ है का मतलब हुआ हाइड्रोजन, उसके बाद क्या हुआ कार्बन, और उसके बाद क्या हुआ फिर क्या हुआ सल्फर। तो ये वो ट्रिक हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, अबंडेंस ऑफ एलिमेंट मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर जो अर्थक्रस्ट में पाए जा रहे हैं, नॉन लिविंग में पाए जा रहे हैं, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सबसे ज़्यादा अर्थक्रस्ट में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, उसके बाद क्या पाया जाएगी सिलिका पाई जाएगी, उसके बाद क्या पाया जाएगा कैल्शियम पाया जाएगा, है ना, उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर सल्फर पाया जाएगा। ये ट्रिक थी नॉन लिविंग मैटर की डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर की परसेंटेज का हमने देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे टेबल हमको दी गई है उसके बारे में भी देखते हैं। आगे हमको इसमें ये बताया गया है, ये हमको क्या है, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूंट ऑफ लिविंग टिश्यू, है ना, ये लिविंग टिश्यू के कुछ कंस्टिट्यूंट इनऑर्गेनिक हमको दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, कंपोनेंट और फार्मूला उसका दिया गया हमको, कंपोनेंट और फार्मूला, सोडियम का फार्मूला होता है Na और पोटेशियम का होता है K। तो ये सोडियम का काम क्या होता है, पोटेशियम का काम क्या होता है, ये नर्व इम्पल्स में हेल्प करते हैं, ये क्या करेंगे नर्व इम्पल्स में और ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी हेल्प करते हैं, है ना, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में, ठीक है। और क्या हुआ कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम होता है Ca+2, ये हमारी बोन्स में पाया जाता है, बोन की मजबूती करता है, है ना। मैग्नीशियम को फैक्टर के तरीके काम करता है ना। वाटर जो होता है H2O जो होता है, हम सभी जानते हैं, हमको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये हमारी शरीर में पानी की कमी से को बचाता है। और क्या कहते हैं, कंपाउंड हमको दिए गए हैं, कौन कौन से कंपाउंड दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, और फॉस्फेट दिया गया है, और सल्फेट दिया गया है, ये हमारे क्या हैं कंपाउंड हैं, याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन इनसे भी पूछ लेते हैं। अब हमको क्या बताएगा आगे, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो अमीनो एसिड की होती है आर इसेंशली ऑफ द अमीनो एसिड, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की होती है, वो एसेंशली होती है फॉर अमीनो एसिड के लिए, है ना, जरूरी होती है अमीनो एसिड के लिए, इसमें कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पाई जा रही है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जा रही है ना। उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप, है ना, इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ऑफ अमीनो एसिड की आर इसेंशली ऑफ द अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप जो था वेरिएबल ग्रुप था, है ना, ये वेरी कर रहा था, इसकी जगह हाइड्रोजन आ रहा था और मेथिल आ रहा था, है ना, बहुत सारे ग्रुप आ रहे थे यही। उसके क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, नंबर ऑफ अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेसिस पे देयर आर क्या है, अगर देखो अमीनो एसिड का जो बेस होगा नंबर, है ना, कौन से नंबर अमीनो एसिड हैं, कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके बेसिस पे क्या है, देयर आर एसिडिक, उसमें क्या है एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड क्या है, तो बोलेंगे हम ग्लूटामिक एसिड हो गया, और क्या हो गया, इसके नाम में एसिड आ रहा है तो इसलिए एसिडिक हो गया, और क्या हो गया एस्पार्टिक एसिड, ये क्या है एसिडिक अमीनो एसिड है, याद रखेंगे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड द एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड का हमको एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे लाइसिन दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ हमको लाइसिन दिया गया है, बट एक और होता है, क्या होता है वो आर्जिनिन होता है जो बेसिक अमीनो एसिड का एक एग्जांपल है, लाइसिन और आर्जिनिन इज द बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या हमको दिया गया है,
न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड का हमको एक एग्जांपल दिया गया है वैलिन दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है वैलिन दिया गया है, बट एक और होता है, क्या होता है वो एनालिन होता है, क्या होता है एनालिन होता है जो कि होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। ये हमको एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिडिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल क्या हुए हमारे ग्लूटामिक एसिड हो गया और एस्पार्टिक एसिड हो गया, और बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल हुए हमारे लाइसिन हो गया और क्या हो गया आर्जिनिन हो गया, और जो इसके न्यूट्रल अमीनो एसिड के थे न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जांपल हो गया वैलिन हो गया और क्या हो गया एनालिन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह में क्या होता है, इसी तरह का क्या है देयर आर एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं क्या बताया गया हमको, इसी तरह का क्या होगा एरोमेटिक, इसी तरह के एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसके हमको तीन एग्जांपल दिए गए हैं, टायरोसिन का दिया गया है, फेनिलएलनिन का दिया गया है और ट्रिप्टोफैन का दिया गया है, यानी टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन, ये याद रखेंगे, दीज आर किस टाइप के अमीनो एसिड हैं, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज एनर्जाइबल नेचर, है ना, एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड की वो कैसी होती है, एनर्जाइबल नेचर होती है, वो एनाइज हो जाता है ऑफ NH2, है ना, ये क्या है अमीनो ग्रुप है, ये क्या हमारा अमीनो ग्रुप है एंड ये क्या है एसिड ग्रुप है, ठीक है एसिड ग्रुप है। हेंस इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच पे जो अमीनो एसिड की होती है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो चेंज हो जाता है, डिफरेंट पीएच पे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी क्या होगा चेंज हो जाएगा, और ये अमीनो एसिड होता है एनर्जाइबल, इसमें प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें हमको यहाँ पे ये बताया गया है फिगर एक ड्यूटेरियन आयन के बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया हमको ड्यूटेरियन आयन के बारे में बताया गया है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है, एक हमारा एसिड ग्रुप है, ये हमारा अमीनो ग्रुप हो गया, ये आर ग्रुप हो गया, ठीक है। ये जो है, ये जो आयन है बी, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियन आयन, है ना, इसमें जो चार्ज होता है, इसमें जो ओवरऑल चार्ज जो होगा जीरो होगा, चार्ज जो होगा इसमें ओवरऑल चार्ज जो होगा कैसा होगा, वो चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, जीरो चार्ज होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ से एक एच हट गया, यहाँ का ये एक एच हट गया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हुआ NH2, और ये आर ग्रुप हो गया, और ये पे CWO निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियन आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस वाले को क्या बोलते हैं, बी इज कॉल ड्यूटेरियनिक आयन, है ना, इसको क्या बोलते हैं ड्यूटेरियनिक आयन बोलते हैं, ये ड्यूटेरियनिक फॉर्म है, इसमें जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, ये हम याद रखेंगे, ये हमसे पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, और उसके अलावा यहाँ पे क्या है ना, उसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे एच की कंसंट्रेशन क्या है, एच की कंसंट्रेशन, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा पीएच जो होगा वो कम होगा, क्योंकि एच और पीएच है जो एच आयन कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, यानी पीएच के इन्वर्सली होता है, जितना ज़्यादा एच होगा उसका उतना पीएच कम होगा, यानी एसिडिक मीडियम जितना होगा उसका पीएच उतना कम होगा, ये सबको पता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे हमको लिपिड के बारे में बताया गया है कि लिपिड क्या होता है, उसके बारे में बताया गया हमको, लिपिड आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल, जो लिपिड होता है वो जनरली वाटर इंसॉल्युबल होता है, यानी वाटर में वो घुलनशील नहीं होता है, वाटर पे वो घुलता नहीं है, है ना। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ये क्या, ये सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं, जो लिपिड होता है ये वाटर इंसॉल्युबल होता है और ये सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं, है ना। ए फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक फैटी एसिड क्या होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि अटैच टू आर ग्रुप, जो आर ग्रुप से अटैच होता है। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड में क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है जो कि अटैच होगा आर ग्रुप से, ठीक है। आर ग्रुप क्या होता है, आर ग्रुप हमको पता है वेरिएबल ग्रुप होता है, है ना। आर ग्रुप कुड बी मेथिल, है ना, आर ग्रुप क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, उसकी जगह हट के कोई भी ग्रुप आ सकता है ना, मेथिल आ सकता है, मेथिल आ जाएगा CH3, एथिल आ जाएगा C2H5, है ना, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, है ना, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप भी आ सकते हैं, क्योंकि R जो होता है वो वेरिएबल ग्रुप होता है, ठीक है। हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप में क्या आ जाएगा, एक कार्बन से 19 कार्बन तक के CH2 ग्रुप आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमको एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे NCERT में, वो कौन सा है, पाल्मिटिक एसिड। ये एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई,
ये पूछते हैं कि 16 कार्बन का जो है एसिड है उसका नाम बताइए, तो पालमेटिक एसिड होता है जो कि कितने कार्बन का होता है, 16 कार्बन का होता है, और उसमें कौन से कार्बन इंक्लूड होते हैं, उसमें हाइड्रोक्सिल कार्बन भी जो होता है वो भी इंक्लूड होता है, जो पालमेटिक एसिड होता है वो 16 कार्बन का होगा, उसमें हाइड्रोक्सिल कार्बन भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एरेक्टोनिक एसिड जो होता है वो कितने कार्बन का होता है, वो 20 कार्बन का होता है, इसमें भी हाइड्रोक्सिल कार्बन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। 16 कार्बन का जो होता है वो पालमेटिक एसिड होता है, और जो 20 कार्बन का होता है वो क्या होता है, एरेक्टोनिक एसिड होता है। इसमें कौन से कार्बन इंक्लूड होंगे, तो इसमें एटम्स इंक्लूड द कार्बोक्सिल कार्बन, इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिल कार्बन भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड है ना, फैटी एसिड क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं, है ना, मतलब सैचुरेटेड मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड ना हो, है ना, सैचुरेटेड क्या होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, यानी सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हैं, ये सैचुरेटेड हैं, ठीक है। अगर इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं तो ये अनसैचुरेटेड हैं, कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हैं। फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, यानी उसमें क्या हो जाएगा, विदाउट डबल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, और क्या होगा, अनसैचुरेटेड यानी विथ वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, यानी उसमें एक से ज़्यादा, यानी वो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, पर सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, याद रखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। एनादर सिंपल लिपिड, एक सिंपल लिपिड जो है, एनादर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, है ना, एक सिंपल लिपिड क्या है, जो ग्लिसरॉल है वो क्या हमारा सिंपल लिपिड है, ग्लिसरॉल इज क्या, ग्लिसरॉल जो है वो सिंपल लिपिड है, ये याद रखेंगे, ग्लिसरॉल जो होता है कैसा होता है, सिंपल लिपिड होता है, ये पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो ग्लिसरॉल होता है सिंपल लिपिड होता है, और क्या है ये, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल के ग्रुप कितने आएंगे, 3 आएंगे, और प्रोपेन, ठीक है, ट्राईहाइड्रोक्सिल प्रोपेन हो जाएगा, ये क्या है, सिंपल लिपिड है ना, जो सिंपल लिपिड जो होता है वो क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। आगे क्या है, मेनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होते हैं, है ना, कुछ ऐसे लिपिड होंगे जिसमें क्या होगी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होंगे, तो हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रीफाइड ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे जो जिसमें जिस लिपिड में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होंगे, तो यहाँ पे जो फैटी एसिड बनता है ना, फैटी एसिड बनता है, फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, जो फैटी एसिड बनेगा वो एस्ट्रीफाइड ग्लिसरॉल से बनेगा, है ना, पाया जाएगा, ठीक है। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, ये कैसा हो सकता है, मोनोग्लिसराइड हो सकता है, यानी एक ग्लिसराइड हो सकता है, उसमें मोनोग्लिसराइड हो सकता है, डाइग्लिसराइड यानी दो ग्लिसराइड हो सकते हैं, और क्या है, उसमें ट्राइग्लिसराइड यानी ग्लिसराइड मॉलिक्यूल के 3 हो सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसलिए ट्राइग्लिसराइड बोला, है ना। दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें फैट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं, फैट और ऑयल इनको बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड को क्या बोल देंगे, फैट ऑयल बोलते हैं। किसके बेसिस पे बोलते हैं, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे क्या बोलेंगे इनको, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इनको क्या बोलेंगे, फैट और ऑयल बोलेंगे, है ना, फैट और ऑयल इनको क्या बोला मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, क्योंकि हमको पता है जो ऑयल होता है उसमें मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो होता है, इसीलिए जो होता है ऑयल हमारा ठंडियों में जमता नहीं है, है ना, इसीलिए हमारा ऑयल जो है ठंडियों में जमता नहीं है, वो ऑयल का ऑयल ही बना रहता है, बट जो फैट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए वो ठंडियों में जम जाता है। हम अपने घर पे घी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, फैट है, ठीक है। ऑयल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल के पास जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो एक ऑयल का एग्जाम्पल दिया गया है, जिंजली ऑयल दिया गया है ना, जिंजली ऑयल है, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, और ये सर्दियों में ऑयल ही बना रहता है, जमता नहीं है। कैन वी आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम मार्केट, आपने कभी ये देखा है कि जो फैट हम मार्केट से लाते हैं, यानी बटर जो लाते हैं फैट से मार्केट से, तो क्या होता है, वो होता है वो ठंडियों में जम जाता है, है ना। सम लिपिड है फास्फोरस, कुछ लिपिड में क्या होते हैं, फास्फोरस होते हैं, एंड पॉली कुछ उसमें क्या कुछ इसमें कुछ लिपिड्स में क्या होते हैं, फास्फोरस होते हैं, एंड फास्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, कुछ लिपिड में क्या होंगे, फास्फोरस होंगे और उसमें फास्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, है ना, फास्फोरस और फास्फोरेटेड ऑर्गेनिक
कंपाउंड होते हैं, ठीक है, दीज आर फॉस्फोलिपिड। ये क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमको दिया गया, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो याद रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आता है ना। दीज आर फॉस्फोलिपिड होते हैं, दे फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है लेसिथिन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि लेसिथिन जो पाया जाता है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड है। कहाँ पे पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना। लेसिथिन इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आगे क्या हमको, सम टिश्यू स्पेशली इन न्यूट्रल टिश्यू हैव लिपिड विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना। कुछ न्यूट्रल टिश्यू होते हैं, कुछ टिश्यू जो होते हैं स्पेशली न्यूट्रल टिश्यू, सॉरी न्यूरल टिश्यू, जो न्यूरल टिश्यू होते हैं, सॉरी जो न्यूरल टिश्यू होंगे उसमें क्या होगा, न्यूरल टिश्यू में क्या होगा, हमारे जो लिपिड होंगे वो कैसे होते हैं? मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड होते हैं वो कैसे होते हैं? मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। कौन से टिश्यू होंगे? न्यूरल टिश्यू होंगे, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड के स्ट्रक्चर होता है वो कैसा? मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आगे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे तो उनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाएगी। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब हुआ उसकी जो साइकिल होगी सेम उससे कंपाउंड से मिलकर नहीं बनी हुई होगी, है ना, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक बोला इसको, ठीक है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेस, है ना, उसमें क्या होंगे, कुछ नाइट्रोजन बेस होंगे, नाइट्रोजन बेस होंगे। नाइट्रोजन बेस के हमको एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, देखते हैं नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से आए हैं। एडनिन आया, है ना, एडनिन आया, गोनिन आया, साइटोसिन आया, यूरेसिल आया और थाइमिडिन आया, है ना। तो अब हमसे ये पूछते हैं इसमें प्यूरिन कौन से हैं और पिरिमिडिन कौन से हैं, है ना। तो एडनिन और गोनिन जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं हमारे प्यूरिन, ये जो होते हैं प्यूरिन होते हैं, ये प्यूरिन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन रिंग होती है ना, डबल मेम्ब्रेन रिंग होती है, है ना। और ये क्या हुआ, उसके बाद क्या है हमको दिखाया गया है, उसके बाद क्या है, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिडिन, क्या दिखाया गया है, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिडिन, यानी कट, कट क्या है, ये हैं पिरिमिडिन, पिरिमिडिन ये क्या है, पिरिमिडिन है, ये सिंगल मेंबर रिंग होती है, सिंगल मेंबर रिंग होती है ना। जो प्यूरिन होती है उसमें क्या आते हैं, एडिनिन और गोनिन होते हैं। जो पिरिमिडिन होती है उसमें क्या, साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिडिन आते हैं। जो प्यूरिन होती है वो डबल मेंबर रिंग होती है, जो पिरिमिडिन होती है वो सिंगल मेंबर रिंग होती है। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन फाउंड अटैच टू शुगर, जब ये नाइट्रोजन बेस और शुगर मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ये न्यूक्लियोसाइड बना लेंगे। जब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेते हैं न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। और अगर इसी के साथ अगर फॉस्फेट आ गया, है ना, अगर इसी के साथ में फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो उसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। जब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ये चीज़ें आ जाएंगी तो उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गया वो। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, एडेनोसिन, गोनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन और न्यूक्लियोसाइड। ये यहाँ पे हमको ये जो एग्जांपल दिए गए हैं, एडेनोसिन गोनोसिन है ना, साइटिडिन और यूरिडिन और थाइमिडिन, ये जो हैं क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं। ये एग्जांपल किसके दिए गए हैं, ये यार न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोसाइड में क्या हुआ, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मिला तो ये क्या बना, न्यूक्लियोसाइड बना, ठीक है। उसके एग्जांपल हमको बता दिए गए हैं। अब एडेनिलिक एसिड, इसमें एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप आ गया, है ना, तो उसमें क्या हुआ, एडेनिलिक एसिड थाइमिडिलिक एसिड गोनिलिक एसिड यूरिडिलिक एसिड एंड थाइटिलिक एसिड आर क्या हुए, ये जो हुए न्यूक्लियोटाइड हुए, है ना। इसमें एसिड आ गया यानी फॉस्फेट ग्रुप आ गया, शुगर बेस प्लस फॉस्फेट मिल गया तो क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड बना दिया, जिसमें एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड और थाइटिलिक एसिड और क्या हुआ,
गोनेडिक एसिड ये जो एग्जांपल हैं न्यूक्लियोटाइड के हैं, याद रखेंगे ये पूछ लेते हैं कि साइटोटाइड में डिफरेंस क्या है, है ना। अब न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए, है ना, डीएनए और आरएनए क्या हुए, ये न्यूक्लिक एसिड हुए, जो डीएनए होता है ना ये 99% जेनेटिक मटेरियल होता है, 99% जेनेटिक मटेरियल, 99% जेनेटिक मटेरियल होता है ये हमारा डीएनए। बट जो कुछ वायरस, सम वायरसों में क्या होता है, सम वायरस में जो होते हैं ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल, है ना, ये क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली, है ना, आरएनए जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड ओनली होते हैं। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए आरएनए होते हैं वो काम कैसे करते हैं, जेनेटिक मटेरियल के तरीके, है ना, जेनेटिक मटेरियल के तरीके ये काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। ये हमको कार्बोहाइड्रेट, पहला जो डायग्राम दिखाया गया है कार्बोहाइड्रेट का दिखाया गया है, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट में हमको पहला जो फिगर दिखाया गया है किसका, ग्लूकोज का दिखाया गया है, सिक्स कार्बन की रिंग है ये। ग्लूकोज क्या होता है, सिक्स कार्बन का होता है C6H12O6 इसका जो होता है फार्मूला होता है ग्लूकोज का, ठीक है। और ये हमको रिंग दिखाई गई है, उसके बाद क्या हमको 5 कार्बन का जो राइबोज दिखाया गया है, ये कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है, उसका ये दिखाया गया है स्ट्रक्चर हमको दिखाया गया है, ठीक है। ये हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कभी कभी स्ट्रक्चर देके हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाया गया हमको, ये क्या हुए हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, यानी क्या हुई ये शुगर हुई। उसके बाद जो अमीनो एसिड मैंने आपको बताया था, अमीनो एसिड क्या, कौन कौन से अमीनो एसिड, ग्लाइसिन था, जब आर वेरिएबल फंक्शनल ग्रुप था तो उसकी जगह अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, अगर मेथिल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनालिन हो जाएगा, और ये आ गया हाइड्रोक्सिल, तो ये क्या हुआ, सेरीन हो गया। ये याद रखेंगे, 20 अमीनो एसिड में 3 कम को यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। आगे क्या है, ये जो दिखाया गया था फैटी एसिड दिखाया गया था, पल्मेटिक एसिड जो दिखाया गया था कितने कार्बन का था, 16 कार्बन का पल्मेटिक एसिड था 16 कार्बन। अगर इसको हम समराइज मैनर पे देखेंगे तो इसका क्या हुआ, इसमें देखो कार्बन कितने, 14 2 28, है ना, इसमें क्या हुए कितने कार्बन हैं, 14 ये हो गए, 14 15 16, यानी इसमें 16 कार्बन हो गए, है ना, 16 कार्बन हो गए। और इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हो गए, 14 2 28 29 30 31 32 हाइड्रोजन, ठीक है। हम देख लेंगे इसका क्या हुआ, इसमें यही हुआ C16H32, है ना, ऐसे देख लेंगे अगर वैसे हमको कभी फार्मूले के तरीके दे देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमको ग्लिसरॉल के हमको दिखाया गया है, इसमें क्या है ग्लिसरॉल का हमको ये दिखाया गया है। उसके बाद क्या है ट्राइग्लिसराइड, है ना, ट्राइग्लिसराइड के दिखाए गए हैं, इसमें कितने R1 R2 R3, ये जो हैं क्या हैं, फैटी एसिड हैं, ये R1 R2 और R3 जो है, ये R1 R2 R3 जो क्या हैं, ट्राइग्लिसराइड R1 R2 R जो फैटी एसिड हैं, इनका हम ये डायग्राम याद कर लेंगे। डायग्राम के बेसिस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, डायग्राम दिखा के हमको पूछ लेंगे कि ये किसका है डायग्राम, वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है फास्फोलिपिड, है ना, फास्फोलिपिड में जो था एग्जांपल किसका था, लेसिसिन का जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा था, ठीक है, ये उसका एग्जांपल है फास्फोलिपिड लेसिसिन का, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन में, है ना। यहाँ पे नीचे 3-मेथिल है, ठीक है, यहाँ हम इसको डायग्राम के बेसिस पे हमसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल दिया गया हमको, कोलेस्ट्रॉल का फिगर दिया गया है, ठीक है। ये क्या है फैट और ऑयल हैं। उसके बाद क्या है हमारा, ये क्या हुआ एडनिन क्या हुआ हमारा, एडनिन और गोलिन था, क्या था ये प्यूरिन था, यानी कैसी डुअल मेम्ब्रेन रिंग थी, दो रिंग है ना यहाँ पे, एक 6 कार्बन एक 5 कार्बन की रिंग है, ये क्या है डो मेम्ब्रेन रिंग है, ये क्या है प्यूरिन है, और एडनिन और गोलिन जो होते हैं वो क्या होते हैं प्यूरिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है ये एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन का ये हमको दिखाया गया है। उसके बाद क्या है ये एडेनिलिक एसिड, कौन सा एसिड है ये एडेनिलिक एसिड का दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एडेनिलिक एसिड हो गया, ये एडेनिन जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे फॉस्फेट आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे क्या है
नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस दिखाए गए हैं। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं यूरिस, यूरेसिल होता है जो कि क्या है, पिरिमिडीन है, ठीक है। यूरेसिन क्या है? पिरिमिडीन है, ये नाइट्रोजन बेस आता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? शुगर बेस मिलते हैं जब ये, तो न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं, तो यानी यूरिडीन, ठीक है, यूरिडीन हो गया, ठीक है। और क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जब शुगर बेस प्लस फॉस्फेट मिल जाता है, क्या मिल जाते हैं? शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, है ना, नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फॉस्फेट मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू में हमको दिखाए गए थे, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। मिलते हैं एक वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव बीन नेक्स्ट।